अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि जब आज सुबह में उठी तो मैंने देखा कि मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना इस खुशी को दुबला की जाए, ठीक है, क्यों ना आज कोई मीठा बना लिया जाए। और मीठे पे मैंने डिसाइड करा है कि आज हम बनाएं वनीला आइस केक। और जो है, आप भी मेरी खुशियों में लाजमी शरीक होइएगा। ये है कि सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है मैदा, और मैदे की डस्ट से जो है मैं इसको चारों तरफ से कवर कर लूँगी। अब मैं ले रही हूँ 1 बॉल, और उसके अंदर मैं डालूँगी 4 अदद अंडे। अंडे मैंने माशाल्लाह से 4 अदद डाल लिए हैं। अब हमें सिर्फ ये करना है कि हमें इसको बीट करना है, ठीक है ना। बीटर मशीन मैंने ले ली है, और इसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे, अच्छे से हमारा अंडा फूल जाए। हमारा अंडा काफ़ी हद तक फूल चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी आइसक्रीम शुगर। आइसक्रीम शुगर जो है वो मैंने लिए तकरीबन 1 कप के करीब। और फिर इसके बाद भी मैं दोबारा इसको बीट कर रही हूँ, और फिर हमारा जो मिक्सचर है वो काफ़ी यानी कि फूल चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी वनीला कस्टर्ड। मैं एसेंस का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करूँगी, आज मैंने सोचा कि आपको थोड़ा अक्सर लोगों के पास एसेंस नहीं होता है, तो वो लोग ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। आज मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है 1/4 कप के करीब, और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, और 1 चुटकी जो है मैंने ली है नमक, और 1 चुटकी के करीब मैं ले रही हूँ बेकिंग सोडा। सिंपली जो है मैंने थोड़ा सा जो है 2 से 3 ड्रॉप के करीब जो है वनीला एसेंस लिया है, और ताकि जो है काफ़ी लोगों को ये होता है कि एसेंस नहीं डाला है तो शायद टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये है कि आप खाली कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है कि मैंने इसके अंदर डाला है 1/4 कप के करीब ऑयल, और अब मैं इसको मज़ीद बीट कर रही हूँ। अच्छे से बीट करने के बाद जब मिक्सचर हमारा बीट हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डालूँगी 1 कप के करीब मैदा, और मैदा डालने के बाद भी इसको मज़ीद बीट कर लेंगे। और माशाल्लाह से देखिए काफ़ी हद तक हमारा जो है बीट हो चुका है। अब मैं इसको जो है इसकी साइड को साफ़ करके, और मैं अपने जो ग्रीस किया हुआ जो पैन था उसके अंदर हम अपना मिक्सचर को डाल लेंगे, ठीक है। और सिंपली फ्रेंड्स, मुझे आप लोग से ये बात भी कहनी थी कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग ने मेरा चैनल को और मेरी वीडियोस को देखा और लाइक किया, पसंद किया, सब्सक्राइब किया। तो आज जो आप लोगों के सब्सक्राइब किए हुए थे उसका मुझे इतना ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने फिर सोचा कि आज जो है मैं अपनी खुशी आप लोग के आगे शेयर करूँ। आज मैंने केक की रेसिपी डिसाइड करी, और आपका बहुत बहुत फिर से दिल से मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आज जो है मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। मैंने केक को बेक करने के लिए रख दिया था, और केक मेरा 20 मिनट के अंदर बेक हो चुका है। अब मैं इसको एक धागे की मदद से जो है कटिंग कर लिया है। ठंडा होने के बाद जो है अब सबसे पहले मैं ये करूँगी कि मैंने जो है शुगर वाटर लिया है, और शुगर वाटर को पूरे केक पर अच्छे से मैं इसको लगा लूँगी, ठीक है। अब ये है कि जब तक हमारा शुगर वाटर वाला जो केक है वो मैंने फ्रिज में रख दिया है रेस्ट के लिए, और जब तक हम अपनी आइस केक की जो क्रीम है उसको तैयार कर लेते हैं। तो मैंने 1 पैकेट क्रीम ली है, और मैंने इसके अंदर डाला है 1 टेबलस्पून के करीब वनीला एसेंस, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1/2 कप के करीब आइसक्रीम शुगर, ठीक है। अब इन तीनों इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मशीन से बीट कर लेंगे ताकि हमारी क्रीम अच्छे से फूल जाए, ठीक है। अब मैं इसको बीट कर रही हूँ। और दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ जो है आप लोग मुझे फ़ीडबैक लाजमी दिया करें, क्योंकि आप लोग का जब फ़ीडबैक आता है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे चैनल पे जो है हमारी वीडियोस को देखा जा रहा है और उनको पसंद किया जा रहा है, ठीक है। अब ये है कि मेरी जो क्रीम थी काफ़ी हद तक फूल चुकी थी, और मैंने उनको फ्रीज में रख लिया था, और जो है आज गर्मी भी बहुत थी तो जो है क्रीम जो है मेल्ट भी हो रही थी। मैंने फटाफट जो है इसको डेकोरेट करना शुरू कर दिया, और सिंपली जो है मैं सिंपल तरीके से डेकोरेट किया है मैंने बच्चों के हिसाब से। मैंने जेलीज़ का यूज़ किया है 1K सब्सक्राइबर, और जो है कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और क्रीम से जो है मैंने इनके जो है फूल्स बना लिए।
और माशाल्लाह से हमारा जो है वनीला आइस केक तैयार हो चुका है। सो काइंडली जो है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो है इसी तरीके से हमारे साथ बनाए रखिएगा। फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।